a victim of that? पचपन साल के सत्ता भोगने कुछ दलों के लोगों की ऐसी आदत खराब कर दी है, वो अपने आप को ऐसा शहंशाह मानते हैं और बाकियों को ऐसा निकृष्ट मानते हैं, हर व्यवस्था को इनका निकृष्ट मानते हैं। हर किसी का अपमान करना मानो उनके स्वभाव में है, हर किसी को अपमानित करना ये उनके स्वभाव में है, और इसलिए मुख्य न्यायाधीश को विवाद में घेरना, पूरा माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना, न्यायतंत्र का अपमान करना, रिजर्व बैंक का अपमान करना, सेना अध्यक्ष का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का अपमान करना, लोकतंत्र का अपमान करना, ये मैं समझता हूं ये सत्ता भोग के कारण आपके अंदर आई हुई विकृति है। और महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे, उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की है। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो, कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में ये काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो बच नहीं सकते हो, हमारे लिए तो हमारे संस्कार अलग, हमारे लिए हमसे बड़ा हमारा दल है, दल से बड़ा हमारा देश है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, संविधान संस्थाओं का अपमान, भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये एक प्रकार से कांग्रेस के साथियों ने भी ये मिलावट कल्चर स्वीकार कर लिया है। वंशवाद के बाहर उनका एक भी साथी नहीं रह सकता है, एक भी नहीं, क्योंकि उनके लिए एक संस्कार बन गया है, ये उनकी संस्कृति बन गई है, और इसलिए उनके लिए जम करके, और इसलिए ये महामिलावट का खेल को बड़ा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सभी वंशवादी हैं, करीब करीब थोक में सब बेल पर हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है फिर। मिलना और पूर्ण बहुमत की सरकार, अटल जी को भी, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मुझसे ज्यादा अगर पूर्ण बहुमत मिला होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होगा हम जानते हैं। और जो आज आपके पास आए ना, वो उस समय भी हमारे पास थे और उस समय भी उन्होंने ऐसा ही धोखा किया था। आइए धोखेबाज लोगों को लेकर के हम ये मिलावटी कल्चर से देश का महामिलावट करते रहो। हाँ।